नमस्कार दोस्तों, मैं आपका टीचर अंकित आज आपके लिए पावर पॉइंट की एक नई क्लास लेकर आया हूं, स्लाइड शो। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको डिटेल्स लास्ट तक अच्छे से समझ आ जाएंगी। आइए शुरू करते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, चलिए आज इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन रिफ्रेश कर लें अपने पीसी को, और उसके बाद मैं पावर पॉइंट ओपन करने वाला हूं। ठीक है, ब्लैंक प्रेजेंटेशन इसको लेंगे, और उसके बाद जैसे हम लोग करते हैं एक ब्लैंक लेआउट सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, हम लोगों ने इंसर्ट डिजाइन ट्रांजिशंस एनिमेशंस, एनिमेशंस की आपको लास्ट वीडियो ऊपर आई बटन्स में और प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो आज का जो टॉपिक है वो है स्लाइड शो। स्लाइड शो होता क्या है बेसिकली, चलो मैं ऐसे करता हूं, मैं आपको एक क्लास खोल के दिखाता हूं। ठीक है, तो हम लोग कोई क्लास उठा लेंगे, ऐसे करते हैं 51 नंबर क्लास जो आपने पढ़ी थी, अवॉइडिंग सोशल मीडिया पिटफॉल्स, उसके उसको स्टडी करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये मेरी प्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो इसमें ये क्या कहना चाहता है स्लाइड शो, वो कहता है कि आपको स्लाइड शो, मैं 5 नंबर स्लाइड पे आ गया हूं, ये देखिए 5 नंबर, ये कहता है कि आप इसको शुरू से शुरू करना चाहते हैं या करंट स्लाइड से। ठीक है, मैं अगर कहता हूं इसको फ्रॉम द करंट स्लाइड, तो ये इसी स्लाइड से आगे शुरू करके दिखाएगा आपको। सी सुनिश्चित करेगी आप फोन को ऑनलाइन मॉनिटर करते हैं जब लोग जवाब दे रहे हो, राइट, तो इसमें भी यही है। बट नहीं, आप चाहते हो कि इसको शुरू से ही मैं देखना चाहूं, एक तो ये ऑप्शन है जो शुरू से आपको चलाएगा, या F5 के ऑप्शन होते हैं जो शुरू से आपको चला के दिखाता है, या जो करंट स्लाइड शो है वो यहां से भी चल सकती है। ठीक है, यहां पे भी एक छोटा सा एक कप सा बना होता है, वहां से भी चल सकती है, यहां से बिगनिंग से होगा, इससे भी बिगनिंग से ही होगा। ये देखिए, सी द स्लाइड शो इज बिगनिंग फ्रॉम द स्टार्ट ओनली। ठीक है, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, फीचर है पावर पॉइंट में। नेक्स्ट इज प्रेजेंट ऑनलाइन। ये जो प्रेजेंट ऑनलाइन वाला फीचर है इसको आप भी मत कीजिए, क्योंकि बहुत लोगों के पास परचेज्ड एमएस पावर पॉइंट नहीं होता है। मेरे पास परचेज्ड है, इसलिए मैं आपको करके दिखा देता हूं, बट ये इतना इफेक्टिव नहीं रहता है, क्योंकि ये चीज मांगता है कि प्रेजेंट ऑनलाइन इसको कनेक्ट करने के रिमोट व्यूअर्स के लिए होती है, डाउनलोड प्रेजेंटेशन वो कर सकते हैं, तो उस वजह से होता है। मैं अभी आपको कनेक्ट करके नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि अभी मेरा इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है। ठीक है, डेफिनेटली इसके ऊपर आपको क्लास लेकर आऊंगा। अच्छा, नेक्स्ट इज कस्टम स्लाइड शो। कस्टम स्लाइड शो मतलब आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं जो ऑनलाइन चल रही है। सेटअप स्लाइड शो, हाइड स्लाइड, मैं सपोज कीजिए 4th नंबर स्लाइड को हाइड कर देता हूं। देखिए यहां पे हल्का सा क्रॉस लग गया, मैं इसको छोड़ देता हूं, तो ये क्रॉस हट गया, इसको कर देता हूं, क्रॉस लग गया। रेहरेज टाइमिंग, रिकॉर्ड स्लाइड शो, ये चीजें बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं है इसमें। इसमें आप टाइमिंग सेट कर सकते हो आप उसकी, कि आपको कितने टाइम के बाद उस चीज को आगे दिखाना है। ठीक है, ये देखिए यहां पे ये ऊपर 00 हो जाता है, तो ये रिकॉर्डिंग कर लेता है एक तरीके से। इसको आप शुरू से रिकॉर्ड करना चाहते हो तो यहां पे क्लिक कर दीजिए, बीच में रिकॉर्ड करना चाहते हो आप यहां पे क्लिक कर दीजिए। बहुत ही ईजी है, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। ठीक है, और सबसे एक चीज और बताना चाहूंगा इसमें, ये जो स्टार है इसको भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इस स्टार का क्या मतलब है, चलिए मैं इसको, इसके लिए आपको एक प्रॉपर वीडियो बना के आपको टिप एंड ट्रिक में भेजता हूं, इसको भी आपको देता हूं वीडियो। ठीक है, आज की वीडियो के लिए बहुत छोटी सी वीडियो थी स्लाइड शो, हम कल से इसका प्रॉपर प्रेजेंटेशन बनाने का एक वे आउट तैयार करेंगे कि आगे आगे कैसे इसको कर सकते हैं, तो क्लासेस मिस मत कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।